तो जितने भी यहाँ पे चाइनीज ब्रांड होते हैं वो हमें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम उनको स्पेक्स के कंपैरिजन पे देखें, जो मिड रेंज वाली कैटेगरी है यानी 10,000 से 20,000 के बीच, इसमें अगर सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देखें स्पेक्स के बेस पे, तो आपको रियलमी के मिलेंगे, रेडमी के मिलेंगे या फिर पोको के मिलेंगे। 10,000 to 20,000 की रेंज में स्पेक्स के बेस पे इन ब्रांड्स को कोई यहाँ पे बीट नहीं कर सकता, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पे इन चाइनीज ब्रांड से कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं है कि मैं इनको बोलूँ कि बाइकॉट करें। मैं भी आप लोग के जैसे एक कस्टमर हूँ एंड मेरे को भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए जो कि चाइनीज ब्रांड प्रोवाइड कर देते हैं कंपेयर टू एनी इंडियन ब्रांड या फिर नॉन चाइनीज ब्रांड, जैसे कि माइक्रोमैक्स हो गया, सैमसंग हो गया। इनके कंपैरिजन में आपको चाइनीज ब्रांड रियलमी, पोको, शाओमी वगैरह बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट। तो रिसेंटली यूरोप से एक ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है जिसको अगर आप लोग यहाँ पे सुनेंगे तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे चाइनीज ब्रांड्स को बाइकॉट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में पूरा एक एक पॉइंट कवर करूंगा कि क्या ऐसा मामला निकल के आया है। लिथुआनिया एक छोटी सी कंट्री है यूरोप यूनियन में, उसने अपने सिटीजन को डायरेक्ट ये एडवाइस दिया है कि वो चाइनीज ब्रांड के प्रोडक्ट यहाँ पे ना यूज करें, क्योंकि यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है लिथुआनियन गवर्नमेंट के, उन्होंने पाया है कि जितने भी चाइनीज ब्रांड मैन्युफैक्चर करते हैं मोबाइल फोन वगैरह, उसके अंदर एक सेंसर चिप इंस्टॉल्ड है। सेंसर का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को बैन करना, उसका रिजल्ट ना शो करना। तो जो यहाँ पे साइबर अथॉरिटी लिथुआनियन गवर्नमेंट की, उसने ये चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करा है कि जो ये सेंसरशिप चिप है ये कुछ ही वर्ड्स को यहाँ पे सेंसर करता है जो कि चाइना के एक तरीके से खिलाफ कह सकते हैं, जैसे कि फ्री तिब्बत, लॉन्ग लीव ताइवान, ऐसे से जो वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलरली चाइना को टारगेट करते हैं, पॉइंट करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को जो फोन से ये सेंसर कर देते हैं, मतलब उसका रिजल्ट शो नहीं करते। एंड जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं ये फोन, ये डायरेक्टली इनका सर्वर इंस्टॉल्ड है सिंगापुर में, वहां पे सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है ये साइबर अथॉरिटी ऑफ लिथुआनियन गवर्नमेंट ने रिलीज करा है। एंड ये जो सेंसरशिप चिप मिली है ये शाओमी के फोन में पाई गई है। शाओमी का एक फोन है Mi 20 5G, अभी तक तो फिलहाल एक ही फोन में पाई गई है जो कि एक फ्लेक्सी फोन है। हुआवे के फोन में हुआवे P40 में कुछ ऐसा मिला है, लेकिन अथॉरिटीज ने यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं करा है हुआवे के केस में। तो फिलहाल यहाँ पे जो यूरोप यूनियन है उसने शाओमी के सभी डिवाइसेस Mi 20 5G, उसके अंदर जो ये सेंसर चिप है उसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। लेकिन यूरोप यूनियन ऐसा क्लेम करता है कि जो ये चिप है इसको रिमोट एक्सेस से दोबारा इनेबल कर सकते हैं, मतलब सिंगापुर से इसको दोबारा इनेबल करा जा सकता है। आप लोग को यहाँ पे एक छोटी सी ये चीज लग रही होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा सीरियस मैटर है, क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्टफोन ब्रांड है हमसे बिना कंसल्ट करे, हमें बिना कुछ दिखाए हमारा डेटा चाइना को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा इश्यू है। तो जो ये सेंसर चिप है ये फिलहाल तो शाओमी के Mi 20 5G में ही पाया गया है, जैसे कि OnePlus हो गया, रियलमी वगैरह हो गया, उनके डिवाइस में कुछ ऐसा इंस्टॉल्ड नहीं है। फिलहाल तो ये शाओमी के फोन में ही मेजर इश्यू है एक, एंड यहाँ हुआवे के फोन में भी कुछ सिक्योरिटी फ्लो देखने को मिला है। तो जितना भी मैंने आपको ये सारा इश्यू बताया, अभी तक तो इंडिया में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। इनके फोन को लॉन्च करने से पहले प्रॉपर जांच की जानी चाहिए। एंड लिथुआनियन गवर्नमेंट ने सभी कंट्रीज को यहाँ पे एक टाइप से वार्निंग दी है जो भी यहाँ पे शाओमी वगैरह के मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं। फिलहाल ये जो इश्यू है ये केवल शाओमी के Mi 20 5G में ही देखने को मिला है, वो भी लिथुआनिया में। इंडिया में कोई ऐसा इश्यू निकल के नहीं आया अभी तक। एंड अगर आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल स्टूडेंट बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for